देखिए टोटल इंटरनल पहले समझ लो बेटे, ये देखो बेटे, ये कोई मीडियम है, क्लियर? ग्लास है, वाटर बॉडी है, कुछ नहीं है। अब यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप पीछे याद करो, वो सुनना आपने बना है। तो यहां से जो रेज चली है वो जो सीरीज आ रही है वो स्ट्रेट वे पास कर जाएंगे, बताया था ये चीज। क्यों? क्योंकि इससे शॉर्टर पाथ नहीं हो सकता, हाँ लॉन्गर हो सकता था तो इसे टेढ़ा हो जाना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। जैसे देखो अगर ये ऐसे चलता है, यहां पे कोई मिरर है, तो ये वापस अगर बढ़ाएंगे तो क्या इस पे आएगा? नहीं आ पाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फेल कर जाती है। इसीलिए जब रेरर टू डेंसर जाते हैं तब तो इसी नॉर्मल पे ही जाएगा क्योंकि यही एक शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन जब डेंसर टू रेरर जाते हैं तो वो लॉन्गर पाथ ले सकता था, बट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएंगे यहां पे, फेल हो जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल सीधा ही चला। अब दूसरी रेज सपोज ऐसे चली बेटे, देखो यस, तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, कोई डाउट बेटे? तो अब वेदर नॉर्मल बेंड होता है, ये मान लो कि ऐसे, और बिल्कुल गौर से समझे, मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, अब ये तो नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का। अब मैं जैसे जैसे इससे दूर जाऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना, ये एंगल इससे बड़ा हो गया, तो मान लो कि ये 45 डिग्री का हो गया, तो ये 60-70 के आसपास हो जाएगा, समझ में आ रही बात? अब मैं थोड़ा और दूर जाऊं बेटे, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री पे पहुंच गया या फिर 55 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है 60 मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये 70 से बड़ा होना चाहिए, तो ये अगर इस एंगल पे ये ऐसे हो गया, यानी कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री, यानी 70 से बड़ा होना, तो जो इंसिडेंट रे है बेटे वो यहां से बाहर निकल ही नहीं पाया ना, ये किस सरफेस पे चल रहा है, इंटरफेस पे चल रहा है, ना तो ये रेरर मीडियम में माना जा सकता है ना ही ये डेंसर मीडियम में। अब अगर सोचो बेटे कि इससे भी और बड़ा कर देते हम एंगल को, विदाउट, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये मान लो कि 70 डिग्री है, तो जब 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का था, 90 का है, तो अगर मैं 60 से बड़ा करूंगा तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा ना बेटे, तो ये वापस इसी, समझे या नहीं समझे, पक्का समझ में आ रहा है? तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो इंटरफेस दिख रहा है बेटे वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके थ्रू पार कर सकते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, जैसे कि ये एक मिरर हो, क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं TIR, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, देखो बेटे सबसे पहली बात, अब ये डेंसर से रेरर जाए तभी ऐसा हो सकता है, दूसरा अगर 60 डिग्री से कम है एंगल बेटे तो क्रॉस कर रहा है ना, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 60 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री तो मैंने सिर्फ नाम के लिए समझाने के लिए दिया, क्लियर। तो ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, क्लियर है। तो इससे अगर कम कर दे हम तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से कम हो जाएगा, यानी कि रे जो है दूसरी मीडियम में चला जाएगा, और इससे अगर मैं ज्यादा कर दू तो 90 से बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। आप खुद ही सोचो कि एक इंसान है जो आईसीयू में भर्ती है बेटे, तो इसकी स्टेट को हम क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं,
तो फिर डॉक्टर ने बोला क्रिटिकल कंडीशन, इसका क्या मतलब हुआ बेटे कि अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया कंडीशन खराब तो आदमी पास ऑन कर जाएगा, ठीक है, दूसरी दुनिया में चला जाएगा, और इससे थोड़ा सा भी कम कंडीशन हुआ तो उसे बचा लिया जाएगा, यानी वो रिवाइव वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। तो यहां पर भी है बेटे, देखो इसे मान लो कि भगवान की दुनिया और इसे मान लो इंसान की दुनिया, तो ये जो है बेटे वो दोनों के बीच में झूल रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। अगर इससे कम कर दे अगर हम एंगल को तो ये दूसरी दुनिया में क्रॉस कर जाएगा, और अगर मैं इससे ज्यादा कर दू तो वो वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस एंगल का नाम रखा गया, सिचुएशन जैसा है इसके लिए हम बोलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल। कोई डाउट है, क्लियर है? तो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटे, कंडीशन फॉर टी आई आर पहला क्या बेटे, या नहीं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू कोई डाउट बेटे, और दूसरा क्या बेटे, एंगल ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, समझे या नहीं समझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, कोई डाउट है, तभी जाकर के टी आई आर हो पाएगा, कोई डाउट, पक्का समझ में आया या नहीं आया। अब रही बात बेटे कि क्रिटिकल एंगल निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो एट I इक्वल टू आई सी आर इक्वल टू कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है या नहीं, फिर हमें ये पता है स्नेल्स लॉ लगाओ उस पॉइंट पे, तो साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, जहां पे टू क्या है बेटे, म्यू ऑफ रेयरर मीडियम, समझे या नहीं, और म्यू वन क्या बोलेंगे बेटे, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, समझे, कोई जरूरी नहीं है बेटे कि यहां एयर ही हो, ये ग्लास ये वाटर भी हो सकता, डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब आई इक्वल टू आई सी है तो आर इक्वल टू कितना बेटे, 90 डिग्री ना, ये तो पता है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो साइन ऑफ आई सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री That is equal to mu of rarer medium divided by mu of denser medium. कोई डाउट बेटे? Sine of 90 कितने के बराबर हो जाता है? 1 के बराबर. तो sine IC ये हो गया बेटे mu of rarer medium divided by mu of denser. कोई डाउट है? तो IC कैसे निकालेंगे अब? Sine inverse mu of rarer by कोई डाउट है? इस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आई सी साइन इनवर्स म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, है ना, कोई डाउट, ये अगर मैं वाटर मान लू और इसे क्या मान लू, एयर मान लू, तो यहां पर हो जाएगा म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटे, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू डब्ल्यू ए, बोल सकते हैं बेटे, इसे क्या लिखते हैं म्यू ए डब्ल्यू, तो इसको उलट देते तो क्या हो जाता है बेटे, 1 अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू ए, समझ में आ रही बात, कोई डाउट, अच्छा एक चीज और समझ ही लो बेटे, आपको यह पता चल गया कि इस पोजीशन से इतने पोजीशन तक में अगर कहीं पे कोई लाइट आती है तो वो बाहर जा रही है, तो इधर भी तो उतना ही होगा ना बेटे, यहां से अगर x डिस्टेंस तक ऐसा हो रहा है तो इधर भी x डिस्टेंस पे ही क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा, बनेगा या नहीं, ये एंगल IC था सपोज, सॉरी ये IC, तो ये एंगल भी कितना होगा, आईसी होगा, तो इधर से जितनी रेज जा रही है वो बाहर निकल जाएंगे, और इसके बाहर अगर यहां पे कोई रेज आ रही है तो वापस अंदर चला आएगा, तो ऐसा तो ऑल डायरेक्शन में होगा ना,
सपोज करो कि ये एक टब है, सेंट्रल लाइन पे ऐसे जा रही लाइट, बाकी इससे अगर एक्स डिस्टेंस तक लाइट बाहर निकल रही है और उसके बाहर लाइट अंदर ही रह रही है, तो इधर भी एक्स डिस्टेंस पे होगा, इधर भी एक्स डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये ऊपर में जो ये दिखेगा वो एक एरिया दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो आपसे पूछा कि फाइन एरिया थ्रू विच लाइट कम्स आउट, क्योंकि इतना दूर तक लाइट दिखेगी, उसके बाहर क्या दिखेगा बेटे? डार्क दिखेगा। ऑल्दो यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, आपने ऐसा कहां पे देखा हुआ बेटे? जहां पे म्यूजिकल फाउंटेन वाउंटेन होते हैं ना, वहां पे आप देखोगे कि वाटर बॉडीज के अंदर लाइट लगी होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की। तो अगर मान लो कि रेड कलर की लाइट लगी हुई है ना, तो बाहर पानी के ऊपर आप देखोगे कि वो रेड कलर का एरिया दिख रहा होता है, कुछ दूर पे ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा होता है, इस तरीके से। क्लियर? तो कितना एरिया लाइटेड है ये निकालना है आपको। तो आप ये देखिए बेटे कि ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लू तो ये एक रेडियस की तरह बिहेव करेगा, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ टी आई आर पॉइंट फ्रॉम सेंटर, है या नहीं है? सेंटर से टी आई आर जहां पे स्टार्ट हो रहा है बेटे, उस जगह की बात, सॉरी ये पॉइंट टू ये पॉइंट, समझ रहे हो ना? इतना दूर कैसे निकालोगे? देखो बेटे ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, तो 10 ऑफ आईसी दैट इज इक्वल टू इस डिस्टेंस को अगर आप रेडियस मान लेते हो बेटे आर, और इसकी डेप्थ को आप एच मान लीजिए, तो ये आर अपॉन एच हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? एच 10 ऑफ ये बेटे। बाद में नहीं होगा तो आईसी की जगह पे यहां से वैल्यू पुट करेंगे कि आईसी की वैल्यू कितनी होगी या फिर 10 आईसी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई इनटू एच 10 ऑफ आईसी इसका होल स्क्वायर, है या नहीं है? तो ये कितना हो गया बेटे? पाई इनटू एच स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर आईसी। कोई डाउट? यहां से देखो बेटे कि हमें ये पता है कि साइन आईसी की वैल्यू कितनी होती है, पता है ना? है या नहीं है? सो एज साइन ऑफ आईसी दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, है ना? तो साइन आईसी पता है तो टेन आईसी कैसे निकालेंगे बेटे? नहीं पता ना, चलो ये देखो बेटे, इसे हम ट्रीट करेंगे पी की तरह और इसे ट्रीट करेंगे किसकी तरह? एच की तरह। कोई डाउट है? तो बी पता है और एच पता है, और टेन के लिए हमें बी और बी चाहिए, तो बी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट इंटर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रहा है? तो आपका रूट ऑफ एच स्क्वायर यानी कि म्यू ऑफ डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ रेरर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वी डॉट बी, सॉरी, ठीक है? तो हमारा बी आ गया, एच ऑलरेडी पता है कौन है, म्यू ऑफ डेंसर है। क्लियर? ये वैल्यू यहां पे पुट करो बेटे, अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करो, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? पाई इंटू एच इंटू 10 ऑफ आईसी का स्क्वायर, है ना बेटे? तो 10 ऑफ आईसी कितना हो गया ये देखो, परपेंडिकुलर यानी म्यू ऑफ रेरर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू ऑफ डेंसर माइनस म्यू ऑफ रेरर का स्क्वायर। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? डॉट है, ठीक है? कितना हो गया बेटे? ये पाई इंटू एच का स्क्वायर इंटू म्यू ऑफ रेरर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ रेरर का स्क्वायर। कोई डाउट है? क्या बहुत मुश्किल है? पक्का समझ में आ रहा है?
इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करना चाहो तो रेयरर को अगर आप ए बोलते हो और डेंसर को डब्ल्यू बोलते हो, तो इसको मैं इसके अपॉन में करके स्क्वायर कर सकता हूँ। ये हुआ जनरल फॉर्मूला बेटे, ये क्या है आपका जनरल फॉर्मूला कि रेयरर डेंसर नहीं पता है। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, फॉर दिस कंडीशन म्यू ऑफ रेयरर इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ डेंसर दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ डब्ल्यू, है ना बेटे। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे पाई इंटू एच स्क्वायर, और इसे ढंग से अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते बेटे वन डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वॉटर का स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ एयर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर का स्क्वायर, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, ऊपर है इसे मैं वन अपॉन में कर सकता हूं, जैसे किया मैंने यहां से आ गया बेटे पाई इंटू एच स्क्वायर इंटू वन डिवाइडेड बाय इसे क्या लिख सकते हो म्यू डब्ल्यू ए इसका होल स्क्वायर, समझे, माइनस म्यू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ए का स्क्वायर, दैट इज। क्या बहुत मुश्किल है? पक्का समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये एरिया निकालनी है।